इस जमीन पे जब से इंसान आए तो उन्होंने देखा कि इस जमीन की हर मखलूक आवाज का सहारा लेके अपने पैगाम को बयान करती है, तो इंसानों ने भी आवाज का सहारा लेके अपनी बात बताना बेहतर समझा। लेकिन अल्लाह ने इंसान को ऐसा दिमाग बख्शा और ऐसी जबान अता की जो बेहतर से बेहतरीन आवाज पैदा कर सकती है। लेकिन ये जो दिमाग अल्लाह ने इंसान को दिया, इस दिमाग में एक ऐसी ताकत बख्शी जिससे इंसान ना वाकिफ है, उस ताकत को कुव्वते लवाम कहते हैं। जब इंसान बात करते हैं या आवाजें सुनते हैं तो इस दिमाग पे ऐसे असरात वजूद रखते हैं जो इंसान की शख्सियत को बदल देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे किस आवाज से इंसान की शख्सियत पे क्या असर होता है। हम जो अपना नाम रखते हैं वो नाम दिन में ज्यादा सुनते हैं, और जो हमारे नाम का पहला हर्फ होता है उसकी जो आवाज होती है वो सबसे पहले हमारे कानों तक पहुंच के हमारे दिमाग पे असर रखती है। तभी जिसका नाम आ यानी ए से आए, ऐसे लोग गहरी सोच रखना, आगे बढ़ना, एतबार करना, अपने आप को कम ना समझना उनकी फितरत में शामिल हो जाता है। जिसका नाम बा यानी बी से आए, ऐसे लोग झुक के अपना काम करते हैं। अल्लाह ने उन्हें भले कितना भी नवाजा हो लेकिन वो ज्यादा शो नहीं किया करते। जिसका नाम च यानी सी एच से आए या सिर्फ सी से आए, ऐसे लोग अपने वजूद में काफी राज रखते हैं और बड़े से बड़ी खुशी हासिल करने के बाद भी मुतमईन रहते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ द यानी डी होता है, ऐसे लोग मेहनत से कभी नहीं डरते, लेकिन इनकी कमजोरी इनकी जबान होती है क्योंकि ये सच का साथ देते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ ई से शुरू होता है, ऐसे लोग इंसाफ पसंद होते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसा भी वक्त हो। और जिसके नाम का पहला हर्फ फा यानी एफ आता है, वो लोग कामयाबी और कामरानी को बेहतर समझते हैं और जो खुद के लिए पसंद करते हैं वो सबके लिए पसंद करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये अगर एक मर्तबा किसी चीज को पसंद कर ले तो उसके लिए पूरी कायनात लुटा देते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ ग यानी जी आए, तो वो ख्यालों में ज्यादा रहते हैं, अपनी आज में कम रहते हैं, या तो गुजरे हुए वक्त को याद करते रहते हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। अगर ये इस चीज पे काबू पा ले तो इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जिसके नाम का पहला हर्फ हा यानी एच आता है, ऐसे लोग हमदर्द होते हैं, अपने दिलों में काफी राज रखते हैं और अच्छे दोस्त साबित होते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ आ यानी आई आता है, ऐसे लोग तराजू की तरह जीते हैं और सच बोल के अपने दुश्मन बनाना इनकी कमजोरी बन जाता है। ये प्यार के बदले प्यार, अच्छाई के बदले अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ ज यानी जे आता है, ऐसे लोग मेहनत और जज्बात को मिला देते हैं, लेकिन ये तब तक बात को आशना नहीं करते जब तक उस बात का वक्त ना आए, और यही चीज उन्हें आगे बढ़ा देती है। जिसके नाम का पहला हर्फ क यानी के आता हो, ऐसे लोग दोस्ती में जान कुर्बान कर देते हैं और वही दोस्त उनसे आगे निकल जाते हैं, खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचकर अपना नुकसान करते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ ल यानी एल आता हो, ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाज कम रहते हैं, इसी वजह से इनकी मंजिल इनसे मुनारिफ होने लगती है। अगर ये इस चीज पे काबू पा लें तो इनसे इनकी मंजिल कोई जुदा नहीं कर सकता। जिसके नाम का पहला हर्फ मा यानी एम आता हो, तो ऐसे लोग अपने सीने में हजारों राज रखते हैं और अपने जोश से आगे बढ़ भी सकते हैं, और बाज मर्तबा अपने जोश से इनके हाथों काफी चीजें बिगड़ सकती हैं। इनका जोश इनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। जिसके नाम का पहला हर्फ ना यानी एन आता है, ऐसे लोग कश्ती की मिसल होते हैं, अपने हौसाफ को ज्यादा बढ़ाना, अपने आप को मंजिल पे देख के खुश होना, झूठे को झूठा, सच्चे को सच्चा फौरन कह देना इनकी फितरत में शामिल होने लगता है। जिसके नाम का पहला हर्फ ओ यानी ओ आता है, ऐसे लोग जब तक प्लानिंग ना कर ले तब तक कदम नहीं बढ़ाते, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाती है ये चीज इनमें बढ़ती जाती है। बस इनको एक सही उस्ताद की जरूरत है क्योंकि ये अपने अंदर हजारों राज रखते हैं
लेकिन बाहर महसूस नहीं कराते। अंदर से सेंसिटिव तो होते हैं लेकिन बाहर से मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ प यानी पी आता है, ऐसे लोग उम्मीदें ज्यादा रखते हैं अपनों से गैरों से। लोग इनके लिए काफी गलत राय रखते होंगे लेकिन ये तमाम बातों को दरगुजर करके आगे बढ़ना बेहतर समझते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ क यानी क्यों आता हो, ये अपने आप को बादशाह समझते हैं। भले इनके पास दौलत हो या ना हो लेकिन ये देते रहते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ र यानी आर आता हो, ये गम में भी खुश रहना पसंद करेंगे। ये तब तक आंखें नहीं खोलेंगे जब तक सब कुछ लूट ना जाए। ये सुनकर कम और गवा के ज्यादा सीखते हैं। अगर ये हर काम से पहले मशवरा करने लगे तो ये इनके लिए कमाल होगा। जिसके नाम का पहला हर्फ स यानी एस से आता हो या श यानी एस एच से आता हो, ऐसे लोग कभी भी कहीं भी रह सकते हैं, हर माहौल को अपना सकते हैं। गम में हो या खुशी में ये कभी हारते नहीं, लेकिन इनका भरोसा इन्हें हरा देता है। जिसके नाम का पहला हर्फ ट यानी टी से आता है, ऐसे लोग अपनी छोटी सी बात भी बड़ी करके बताते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ ओ यानी यू से आता है, ऐसे लोग कितने भी नाकाम हो जाए लेकिन फिर से घर बनाना, फिर से काम की शुरुआत करना इनके लिए मुश्किल नहीं होता। जिसके नाम का पहला हर्फ व यानी वी से आता है, इनकी जल्दबाजी ही इनकी कमजोरी है। ये चाहते हैं कि जो हो वो आज हो। अगर ये सबर सीख जाएं, तो इनकी मेहनत इनको सही राह बख्शेगी। जिसके नाम का पहला हर्फ व यानी डब्ल्यू से आता हो, तो ऐसे लोग बचपन में कुछ, जवानी में कुछ और बुढ़ापे में कुछ हो जाते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ एक्स से आता हो, ऐसे लोग ऐप ज्यादा तलाश करते हैं, हर चीज में नुक्स तलाश करते हैं। जिसके नाम का पहला हर्फ यानी वाई से आता है, ऐसे लोग हर चीज को दो नजरियों से देखते हैं। ये मशवरा बड़ा अच्छा देते हैं क्योंकि हर चीज के दो रूप देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा ना करे तो क्या होगा। जिसके नाम का पहला हर्फ ज यानी जेड से आता है, ऐसे लोग चीर के मंजिल हासिल करने में महारत रखते हैं लेकिन इनका अपने आप को जाहिर करना इनके लिए नुकसानदेह साबित होगा।